नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के गेस्ट शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में मिलेगा ज्यादा नंबर। रिजर्व बैंक में ऑफिस अटेंडेंट के कई पदों पर निकली बहाली, जल्द करे आवेदन। अब 5 अप्रैल से शुरू होगी होमगार्ड की बहाली, जाने भर्ती की पूरी प्रक्रिया। आखिर क्यों नहीं हो रहा बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, कहां फंसा है पेच, जानिए कारण। पंचायत में टैक्स वसूली सिस्टम तैयार कर रही है नीतीश सरकार, अब कारोबार से लेकर गाड़ी रखने वालों को देना होगा शुल्क। बालू खनन को लेकर सरकार का कड़ा फैसला, पुलों के पास नदी से बालू निकालने पर रोक। कोचिंग संचालक पर हमले के विरोध में शिक्षक संघ ने निकाला विरोध मार्च, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बिहार के स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा, घूस लेते पकड़े गए डॉक्टर को डबल प्रमोशन देकर अपर निदेशक बना दिया। सड़क पर मेडिकल कचरा फेंका तो अब खैर नहीं, बिहार के इस शहर में 4 निजी अस्पतालों पर लगा 18.25 लाख का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। बिहार के 13 यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी कि BSUSC ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी कर रही है। अब तक आधा दर्जन विषयों की स्क्रूटनी लगभग अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद तमाम विषयों में नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग 15 अप्रैल के बाद इन विषयों में नियुक्ति के लिए साक्षात्कार शुरू कर देगा। सभी विषयों के खाली पदों के विरुद्ध 3 गुना अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए आयोग विषयों की स्क्रूटनी क्रमवार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आजाद के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के बाद भरे गए आवेदनों की हार्ड कॉपी की स्क्रूटनी हो रही है। निर्धारित समय तक 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें से 66,000 से अधिक की हार्ड कॉपी आयोग को समय पर मिली थी, उनकी स्क्रूटनी की जा रही है। BPSC की ओर से न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगले महीने 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक न्यायिक सेवा के मुख्य परीक्षा का लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। BPSC की ओर से विस्तृत शेड्यूल भी जारी किया गया है। आयोग के मुताबिक 2 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। BPSC की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड इसी महीना होली से पहले डाउनलोड कर सकते हैं। 25 मार्च से BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवारों को डाक से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। गौरतलब हो कि बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 का आयोजन पिछले साल 6 दिसंबर 2020 को सूबे के 6 जिलों में किया गया था। इस परीक्षा में कुल 15,360 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें 2,389 कैंडिडेट्स पास हुए थे। ये अभ्यर्थी अब अगले महीने 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होने वाली न्यायिक सेवा के मुख्य लिखित परीक्षा में हिस्सा लेंगे। बिहार के 13 यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज हो गई है। विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन यानी कि BSUSC ऑनलाइन आवेदनों की स्क्रूटनी कर रही है। इसी बीच बिहार के गेस्ट शिक्षकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। दरअसल गेस्ट शिक्षकों को असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अतिरिक्त अंक दिया जाएगा। बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में UGC मापदंड के अनुरूप पढ़ा रहे लगभग 2000 अतिथि शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे। वहीं बिहार के एफिलिएटेड कॉलेजों में पढ़ा रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि कंडिका 5.5 में जिक्र है कि वैसे शिक्षकों का अनुभव मान्य होगा जिनकी सेवा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी, कॉलेज सर्विस कमीशन, कॉलेज सिलेक्शन कमेटी के द्वारा कन्फर्म की गई हो। फरवरी महीने में रिकॉर्ड गर्मी का सामना कर चुके राजधानी पटना के लोगों को एक बार फिर बदला हुआ मौसम देखने को मिलेगा। राज्य में अगले 2 दिनों में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में लगातार नमी की मात्रा में वृद्धि हो रही है। इसका मुख्य कारण उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात क्षेत्र का बनना है और पिछले 72 घंटों में नमी वाली पूर्वी हवाओं और दक्षिणी पूर्वी हवाओं का प्रवाह हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में सुबह के वक्त हल्के स्तर के कोहरा देखने को मिला है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी सामान्य से अधिक रहा है, जबकि बिहार के सभी हिस्से में मौसम शुष्क रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 मार्च को उत्तर बिहार, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के साथ साथ दक्षिण पूर्व बिहार में 1-2 जगह पर बारिश की संभावना है। बिजली गरज के साथ बारिश होगी।
बिहार पंचायत चुनाव दरवाजे पर खड़ा है। किसी भी वक्त पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में टैक्स वसूली का नया सिस्टम खड़ा करने की तैयारी में है। नीतीश सरकार अब गांव में कारोबार करने वाले लोगों से टैक्स वसूली का सिस्टम बना रही है। यह वसूली पंचायतों के जिम्मे होगी। ग्राम पंचायतें अपने दायरे में होने वाले व्यावसायिक गतिविधियों पर टैक्स लगाएंगे और इसकी वसूली करेगी। 3 महीने में पंचायतों में नई सरकार का गठन होना है। यह नई सरकार अपने क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने वाले लोगों से टैक्स वसूलने का भी काम करेगी। इसके लिए नीतीश सरकार नियमावली बना रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा है कि हम पंचायतों को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, इसके लिए उसे एक टैक्स वसूलने की शक्ति देने जा रहे हैं। नियमावली तैयार करने का काम चल रहा है। राज्य में बालू खनन को लेकर नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। नदियों पर बने सभी पुलों के आसपास से बालू खनन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल यह फैसला पुलों के नींव को हो रहे नुकसान की सूचना मिलने के बाद लिया गया है। सरकार ने नदियों पर बनाए गए पुल या निर्माणाधीन पुलों के आसपास बालू के खनन को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसा करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि पुलों की संरचना के आसपास बालू के खनन के कारण नदी के बहाव क्षेत्र में बदलाव हो रहा है और जिसकी वजह से पुलों की नींव को नुकसान पहुंच रहा है। विभाग ने कई पुलों का नाम का जिक्र करते हुए इसके संबंध में जानकारी दी है। खासतौर पर फाल्गु पंचाने सकरी पुनपुन बदवा चानन और गोठियावा जैसी नदी को लेकर ऐसी जानकारी मिलने की बात कही गई है। मीणा ने कहा है कि पिछले 15 सालों में दुर्लभ संपर्कता और आवागमन के लिए सभी नदियों पर सैकड़ों पुलों का निर्माण कराया गया है। कोचिंग संचालक पर हमले के विरोध में शिक्षक संघ ने विरोध मार्च निकाला। घटना आक्रोशित सदस्यों ने थानाध्यक्ष से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। शिक्षक संघ के सदस्यों ने ऐलान किया है कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शहर के सभी कोचिंग संस्थान अगले 2 दिनों तक बंद रहेंगे। गौरतलब है कि लहरी थाना क्षेत्र के मछली मंडी के पास स्थित एपेक्स कोचिंग में बुधवार को छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई थी, जिसके बाद कोचिंग संचालक ने छेड़खानी करने वाले शख्स को कोचिंग से निकाल दिया। तभी कुछ देर बाद वह शख्स अपने साथियों के साथ कोचिंग में पहुंचा और मारपीट शुरू कर दिया। इस दौरान कोचिंग संचालक अनीश कुमार और उनके भाई निशांत की पिटाई कर दी, जिससे वे घायल हो गए, जिनका इलाज निजी क्लिनिक में अभी भी जारी है। मारपीट के दौरान बदमाशों ने फायरिंग भी की थी। एक मृत डॉक्टर को सिविल सर्जन बनाने वाले बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने एक और कारनामा किया है। घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए डॉक्टर को डबल प्रमोशन दिया है। उन्हें पहले सिविल सर्जन बनाया गया और फिर 2 महीने में स्वास्थ्य विभाग का अपर निदेशक बना दिया है। ये अलग बात है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करते रहे हैं। मामला स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक बनाए गए डॉक्टर रूप नारायण का है। सरकार ने पहले उन्हें अररिया का सिविल सर्जन बनाया था और फिर 2 महीने बाद ही उन्हें एक और प्रमोशन देकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक बना दिया है। राज्य सरकार ने हाल ही में डॉक्टर रूप नारायण को अररिया के सिविल सर्जन पद से प्रमोट करके पटना स्थित मुख्यालय में तैनात किया है। विपक्षी पार्टियों ने मामले को उठाया और उसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर फिर से गंभीर सवाल उठ खड़े हुए। स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण केंद्र बनाएगा। इस केंद्र पर ग्रामीण इलाकों के 45 से 59 वर्ष के वैसे लोग जो बीमार है वे प्रमाण पत्र के साथ टीका ले सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बने हेल्थ वेलनेस सेंटर पर लोगों को टीका देगा। 12 मार्च से इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर AK पांडे ने सभी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी को वेलनेस सेंटर का टीकाकरण के विशेष के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। अधिक से अधिक लोगों को टीका देने के लिए स्वास्थ्य विभाग अब ग्रामीण स्तर पर टीकाकरण करने की तैयारी कर रहा है। इसी के तहत 12 मार्च को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक पायदान नीचे के स्तर पर टीकाकरण करने की तैयारी की गई है। उन्होंने बताया कि हर प्रखंड में 2 हेल्थ वेलनेस सेंटर पर टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को कहा गया है कि वे 2 वेलनेस सेंटर का चयन कर सूची उपलब्ध कराए। नगर निगम में सामान्य कचरा के साथ मेडिकल कचरा फेंकने को लेकर शहर के 4 निजी अस्पतालों पर जुर्माना लगाया गया है। दंड के तौर पर प्रति अस्पताल 18.25 लाख रुपए देने होंगे। एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं किए जाने पर नगर निगम संबंधित अस्पताल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। जिन संस्थाओं पर कार्रवाई की गई है उनमें
अरबी मेमोरियल, जगदम्बा नर्सिंग होम, शेखर नेत्रालय व हेरिटेज हॉस्पिटल शामिल है। नगर निगम आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था या प्रतिष्ठान पर बायोमेडिकल अपशिष्ट को जनरल अपशिष्ट के साथ मिक्स कर पब्लिक प्लेस पर फेंकने एवं मेडिकल अपशिष्ट के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायालय की ओर से पारित आदेश के आलोक यह निर्णय लिया गया है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।